राहुल वैद्य की हो चुकी है घर के अंदर एंट्री, और एंटर करते ही राहुल वैद्य सभी के साथ घुल मिल गए हैं और सभी के साथ काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। वह राहुल वैद्य की रूबीना के साथ जो भी मनमुटाव चल रहा था वो भी हमें घर के अंदर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल कर बात कर रहे हैं और दोनों ये पूछ रहे हैं कि आखिर उन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा टॉपिक था जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आते थे। वहीं इसी के साथ राहुल वैद्य जिस वजह से सबसे ज्यादा फेमस हैं, वो है उनका वन लाइनर। और राहुल वैद्य ने घर में आकर रूबीना के ऊपर भी एक वन लाइनर देते हुए कहा कि एक था राजा एक थी रानी, राजा वापस आया अब करेगा खत्म कहानी। लेकिन राहुल के इस वन लाइनर के कुछ देर बाद ही राहुल की कश्मीरा शाह से लड़ाई हो जाती है। जी हाँ, राहुल की एंट्री के कुछ ही देर बाद राहुल की कश्मीरा शाह से लड़ाई हो जाती है। वीकेंड के वार में राहुल वैद्य की एंट्री पर जब सलमान ने घर वालों से ये पूछा कि कौन कौन घर के अंदर राहुल वैद्य को आने देना चाहता है, तो उसमें कश्मीरा शाह ने राहुल वैद्य की एंट्री पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि राहुल वैद्य शो की इज्जत नहीं करते, जिस वजह से उन्हें घर के अंदर नहीं आना चाहिए। और इसी बात को राहुल वैद्य कश्मीरा शाह से क्लियर करने के लिए बात कर रहे होते हैं। और इसी बीच राहुल वैद्य की कश्मीरा शाह से बहस होने लगती है कि उन्होंने शो का किसी भी तरीके से अपमान नहीं किया है। वहीं राहुल वैद्य और कश्मीरा शाह की ये बहस थोड़ी देर चलती है और फिर वो बहस वहीं पर ही खत्म हो जाती है। लेकिन क्या राहुल वैद्य और कश्मीरा शाह की लड़ाई आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, या फिर राहुल वैद्य और कश्मीरा शाह आगे चलकर अपनी इस लड़ाई को खत्म कर देंगे, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि राहुल वैद्य की रूबीना के साथ भी अब लड़ाई खत्म होते हुए नजर आ रही है। इस वजह से राहुल अब एजाज खान को अपना टारगेट बनाते हुए नजर आएंगे। वेल, आपको क्या लगता है, क्या राहुल वैद्य की कश्मीरा शाह के साथ ये लड़ाई आगे भी कंटिन्यू रहेगी या फिर नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और बिग बॉस की इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाना भूलें तो हमारे हर लेटेस्ट अपडेट आपसे छूटेगा।